और अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ में सिर तन से जुदा के नारे लगाने के मामले में कोर्ट का कल बड़ा फैसला आया। वहर चिश्ती 5 आरोपियों को एडीजे 4 कोर्ट ने बरी कर दिया है। पूरे प्रकरण को लेकर 2 साल से अजमेर कोर्ट में यह ट्रायल चला और इस दौरान 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे। सरकारी वकील गुलाम नजमी फारूकी ने बताया कि कोर्ट ने पूरा जजमेंट आउट नहीं किया है, लेकिन अजमेर दरगाह के बाहर नारे लगाने वाले गौहर चिश्ती समेत 5 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्या नारे लगे थे, ये पूरा मामला क्या है जिसको लेकर के कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया अजमेर में, सुनाते हैं आपको। भाई देखिए, आरोपी पक्ष की तरफ से यह कहा गया है, यानी कि उनके वकील ने कहा है कि कोर्ट में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो पाए, तो वहीं सरकारी वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। शरण देने के लिए उन 2 जनों के खिलाफ भी मुकदमा किया था, लेकिन इन सभी लोगों को पुलिस ने जो ट्रायल चलाई थी उसको न्यायालय ने पर्याप्त नहीं माना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पर्याप्त नहीं माना और इनको दोष मुक्त करा गया। कुल 7 मुलजिम थे, 1 फरार है, 6 मुलजिम को आज दोष मुक्त कर दिया। जी, काफ़ी गंभीर मामला था, ये देश विरुद्ध मामला था, मैं तो मानता हूँ। हमने अच्छी तरह मजबूती से इसको लड़ा है, लेकिन अब न्यायालय का आदेश है वो मानना है, न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसे मानना पड़ेगा, लेकिन मैं उच्चतम न्यायालय में इसकी अपील पेश करूँ। तो अजमेर में जहां सिर तन से जुदा का नारा लगाने वाले खादिम और गौहर चिश्ती को अदालत ने बरी कर दिया, तो भड़काऊ भाषण मामले में 2 साल तक मुकदमा भी चला है। 22 लोगों की गवाही हुई है, सबूतों का करीब 3 दर्जन पुलिंदा कसा गया और साथ ही कुछ तकनीकी खामियों की वजह से केस कमजोर हुआ और इसका फायदा सीधे आरोपियों को मिला है। सिर तन से जुदा केस में बड़ा फैसला। आरोपी खादिम सहित 6 आरोपी बरी। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी सरकार। तालिबानी नारेबाजी और मजहब के नाम पर भीड़ को उकसाने की साजिश 17 जून 2022 की है, जब पाक अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर जुटे हुजूम को कुछ इसी तरह बहकाने और बरगलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में अजमेर शरीफ के गौहर चिश्ती सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में 2 साल बाद अदालत का फैसला आया है। इस मामले में अदालत ने खादिम गौहर चिश्ती को बरी कर दिया है, साथ ही कोर्ट ने 5 अन्य आरोपियों को भी आरोप मुक्त कर दिया है। इस मामले में एहसान उल्लाह अब तक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी होने के बाद उस पर ट्रायल चलेगा। उन सबको आज दोषमुक्त किया गया, क्योंकि उनके विरुद्ध जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थी वो पाई नहीं गई, ना ही एविडेंस कंप्लीट हो पाई, इसलिए इन सभी लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया। दरअसल कोर्ट में भड़काऊ भाषण को लेकर जो वीडियो बतौर सबूत पेश किए गए थे वो वेरीफाई नहीं हो सके और इसका फायदा आरोपियों को मिल गया और वो बरी हो गए। हालांकि सरकारी पक्ष इस कानूनी लड़ाई को हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी में है। मैं पूरे फैसले का अवलोकन करूंगा, पढ़ूंगा उसको, उसके बाद माने उच्च न्यायालय में जल्द से जल्द अपील पेश करूंगा। जबकि जून 2022 में जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें गौहर चिश्ती और दूसरे आरोपी अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाते नजर आए थे। आरोपी की इसी उकसावे में आकर उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी थी। 17 जून 2022 को जुलूस के दौरान खादिम गौहर चिश्ती ने भड़काऊ नारेबाजी की। जांच में भड़काऊ भाषण और नारेबाजी के बाद गौहर चिश्ती के उदयपुर जाने की बात सामने आई थी। उसके 11 दिन बाद यानी 28 जून को उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लिहाजा कन्हैया लाल की हत्या केस में चिश्ती के कनेक्शन की जाँच भी चल रही थी। हालांकि कातिलों और चिश्ती के बीच कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया। अब सिर तन से जुदा मामले में खादिम गौहर चिश्ती की रिहाई पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने सरकार के इरादों पर सवाल खड़े किए हैं। समझता हूँ कोर्ट का क्या फैसला देखना पड़ेगा, लेकिन जब हमारे समय में कोई फैसला इस तरीके का आता था तो ये कहते थे कि ये तुष्टिकरण की नीति पे चल रहे हैं और सरकार ने अच्छी पैरवी नहीं की। आज इस सरकार को जवाब देना चाहिए कि आपके समय में वो बरी कैसे हो गया।
कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के सवाल और तीखी प्रतिक्रिया से राजस्थान सरकार हरकत में आई और जल्दी बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया। माननीय न्यायालय ने उनको दोष मुक्त किया है, इसकी प्रति मंगवा कर उसके गुणों पर जांच करेंगे और उसके विरुद्ध जो भी हितोषित कार्रवाई है वो शीघ्र करने का प्रयास करेंगे। सरकारी वकील और सरकार के रुख से साफ है कि भड़काऊ नारेबाजी के मामले में गौहर चिश्ती की मुश्किलें अभी कम नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आइए आपको अब बता देते हैं कि आखिर क्या था सर तन से जुदा का ये पूरा मामला। दरअसल 17 जून 2022 को एक वीडियो हुआ था वायरल और इस वीडियो में सर तन से जुदा की नारेबाजी की गई थी। 22 जून 2022 को केस दर्ज किया गया था और गौहर चिश्ती समेत 7 आरोपियों पर तब केस दर्ज हुआ था। एक आरोपी अब तक फरार है, 6 आरोपी बरी हो चुके हैं। अदालत की तरफ से कल ये फैसला लिया गया, हालांकि एक आरोपी अब भी फरार है।